हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डायरेक्शन एकेडमी। बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, मैंने आपको एक क्विज दी थी, SSC CHSL। ठीक है, SSC CHSL का जो पेपर था वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। चलिए, उसका आज हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपको याद है तो हमने देखा था कि CHSL जो हुआ था आपका 10 जुलाई 2019 को, ठीक है, उसके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिए थे। और ये बड़ा आसान से क्वेश्चन थे ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं उम्मीद तो ये कर रहा था कि आप इसके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे मुझे। मैंने की भी दी थी आपको। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चा, अब मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन सबको आप अपनी कॉपी में अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखना। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, एक सम अष्टभुज, रेगुलर ऑक्टागन है ना। देखो, रेगुलर ऑक्टागन बना लेते हैं। चलो, ये एक साइड यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे। अच्छा, इस सर्किल के अंदर है। चलो, ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। अच्छा, रेगुलर इन इन स्क्राइब इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है। देखो यार, ये है ना, सिर्फ आपको बहुत से सिंपल दे रखा है, द रेशियो। अच्छा, नाम देख लिख लेते हैं इसका, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया। और ये सेंटर है आपका ओ। तो ये कहता है ओ ए बी, ओ ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल एक, तो ओ ए बी, और एक ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल, इसका रेशियो पूछा है। बच्चों, ये इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, है ना। आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि रेगुलर ऑक्टागोनल है ना, ऑक्टागोनल अगर मैं रेगुलर बोलूँ, रेगुलर कोई भी चीज़ रेगुलर जो होती है उसमें सभी साइड्स इक्वल होती है ना। जैसे ये अगर एक ऑक्टागोनल है, अभी मैंने ऐसे बना लिया, सभी साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको मैं ऐसे मिला दूं, इसको, है ना, मतलब सेंटर से अगर मैं सभी साइड्स को मिला दूं, ऐसे सेंटर से सभी साइड्स को मिला दूं, तो सब लेंथ सेम ही होगी। बायसिमेट्रिक आपको दिख रहा है, सबकी लेंथ सेम होगी। तो यहाँ मुझे देखते ही पता चल गया कि इसकी लेंथ के सेम है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल जो भी होगा फाई। तो बच्चे, इस क्वेश्चन में कोई ऑक्टागोनल का कोई खास काम ही नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर 8 बनेंगे एंगल्स। कितने? 8 एंगल्स। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे 8। तो आपको पता है 360 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 एंगल बनेंगे आपके, ठीक है। क्या हो गया, 8 चौक 32 हो गया, और 8 पंजा, तो 45 डिग्री का आपको सन में आया। तो यहाँ पर आपको सन में आया कि ये जो एंगल फाई होगा वो 45 का होगा। जब ये 45 का होगा तो बाकी दो एंगल कितने होंगे? बाकी जो एंगल होंगे वो होंगे 180 माइनस 45 के। बस मतलब मुझे इसमें इंटीरियर एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही पता है कि इसकी दो साइड्स इक्वल है। वैसे अगर किसी बच्चे को पता हो तो इंटीरियर एंगल भी निकाला जा सकता है, n-2 × 180। ये सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है, इसको n से डिवाइड करो। तो यहाँ से भी आप थीटा निकाल सकते हो, n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 6 × 180/8 आप इससे भी निकाल सकते हो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, तो ये हो जाएगा 270/2। अरे, ये तो कट जाएगा, और यार बच्चों 2 से 45 हो गया, ठीक है, तो जाएगा 3 135। क्या किया, कुछ गलत किया क्या हमने? एन की वैल्यू कितना है? 8 थी। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो गया, 6 × 2 180 है ना। तो मैंने 2 से 3, 2 चौक 8, फिर मैंने क्या किया, 2 से 90 और 2 से 45, ठीक है, ठीक किया 3, हाँ तो 135, ठीक है, 135 होगा, है ना। तो 135 ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा वाला एंगल, ये थीटा नहीं होगा, ये पूरा एंगल होगा। और थीटा क्या होगा इसका? आधा। ये एक्चुअली 2 थीटा की वैल्यू है, तो थीटा होगा 135/2। वैसे अगर आप यहाँ से भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ से भी पता चल जाएगा 135/2 ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको पूछा है कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी तो ये होगा 135/2, और एंगल 45 इनका रेशियो पूछा है। तो 5 से 9 बार हो गया, 9 से काट दो ना, 9 से काट दो, तो 9 5 45 और 9 1 9
9 45, और अरे यार पूरी कटा था 3 बार, तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। देखो आप चाहे ये फॉर्मूला लगा दो इंटीरियर एंगल का, पर ये ध्यान रखना ये पूरा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 2 थीटा का, इसका आधा लेना पड़ेगा, या सीधा ही बताइए दोनों साइड्स इक्वल है, आप समझे क्या, तो ये दोनों थीटा एंगल निकल जाएंगे। बड़ा आसान है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, क्योंकि अधिकतर ऑक्टागोनल लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, बस ये एक ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लिया, बाकी सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, देखो सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। अच्छा ये भी हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट किया था इन्होंने, कि देखो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो ध्यान से देखो, ये कहता है कि ए अपने मित्र को, ए बोरो ए सम ऑफ रुपीज 2000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड बी 31 दिसंबर 2011 ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर विद द सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। हाउ विल आई गेट इन टू, मतलब बेसिकली उसने कहा था कि भाई मैं आपको 31 दिसंबर 2011 तक, अच्छा उसने इतने पे पैसा उधार लिया, और उसने बोला कि भाई मैं आपको पैसा 1 साल में दे दूंगा, पर उसने पहले दे दिया, कितने दे दिया, 1 जुलाई 2012 को दे दिया। अच्छा एक छोटा सा रूल होता है बच्चों, कि जिस दिन पैसा हम उधार लेते हैं उसको काउंट नहीं करना है, और जिस दिन पैसा उधार हम देते हैं उसको काउंट करना है। अगर आप बाई चांस भूल भी जाओ तो सिर्फ याद रखना कि दोनों में से एक ही दिन को काउंट करते हैं, तो 31 दिसंबर को काउंट नहीं करते, तो ये हो गया जनवरी है ना 2012। एक तो ये मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फरवरी का देंगे, मार्च का देंगे, अप्रैल का देंगे, मई का देंगे, जून का देंगे, जुलाई का देंगे, है ना, जुलाई का तो सिर्फ एक ही दिन का देंगे बस। तो वैसे अगर आपको थोड़ा सा जनरली पता हो कि ये तो 31 का होता है, अच्छा 2012 में 4 का भाग जाता है तो ये 29 का होगा, है ना, तो ये तो 31 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 29 का हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, फिर वापस से 31 का, अप्रैल 30 का, फिर 31 का, फिर 30 का, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और फिर जुलाई, जुलाई में एक ही दिन लेना है, एक ही दिन लेना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पहले सबको समझ में आ रहा है ना, तो ये 31 था और ये आपका 30 हो गया था, और ये +31 था +30 था, तो ये आपका 183 समथिंग हो गया, है ना। देखो 1 9 1 10 11 12 13 का 3 हाँ से लगा, 1 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 3 में 15 16 17 18 183 समथिंग आ गया। तो इतने डेज का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो वो बंदा ने पूछा है कि बताओ ए गेट इन पोजिशन इन 1 जुलाई, हाउ मच अमाउंट ही हैज टू रिटर्न, उसको बी को कितना रुपए देना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स 2000 रुपीज तो उसको देना ही पड़ेगा। साथ में उसने बोला कि यार भाई मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, तो पी आर रेट है 8%, आर अपॉन 100 होता है और टी होता है, और टी की जगह यहाँ पे लिखेंगे 183 डिवाइडेड बाय 365 बस। तो आप देख लो यार बच्चे 2000 तो सब में आई गई, अब चेक कर लो यहाँ पे, देखो एक्स्ट्रा कितना है 88 है, यहाँ पे कितना है 200 है, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 70 और यहाँ पे कितना है 80, तो देखो ये कोई टाइम नहीं लगता है इस चीज को, तो आपको चेक करना है कि कितना आएगा। अब वैसे कैंसिल नहीं हो रहा क्या, ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा 365 से ये कैंसिल तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आपको जितना काटना है काटो, 5 चौक 20, 5 7 35 और 5 3 15, 73 आ रहा है। ठीक है, तो 73 73 से तो ये नहीं कटेगा, है ना, 73 से तो कटता तो नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कटता तो, है ना, अप्रॉक्सीमेट हमें हमें देखना है ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कितना आता है। सो नियर अबाउट 73 हो गया, और बताओ कितना, 8 6 32। ठीक है, सो अगर मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल देखना चाहूँ कि 8 9 72 कर देता हूँ मैं, मतलब मैं इसको 72 को एक कम कर रहा हूँ, मैंने इसको एक कम कर दिया 72, तो मैंने एक कम किया तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो इससे कम जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया कि 9 हो गया, और यहाँ से किया 4 3 12 का 2 हासिल, अच्छा 9 है, ओके ठीक है, 8 9 10 11 12, देखो 8 और 1 9 10 11 12, तो इसमें 3 से वापस काट दो, 3 3 9
तीन छंग 18 और तीन एकम 3। अब देख लेते हैं, अब क्या हो गया, अब ये हो गया 4 4 छंग 24 है ना, 24 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 8 24 और 3 एकम समथिंग, तो इससे लेस वाला आपका आंसर होगा। तो ये लेस तो ये लग रहा है मुझे 2080, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने 73 से 72 किया तो आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे जो थोड़ा सा कम होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ये वैसे भी ना कटेगा नहीं पूरा, अप्रॉक्सीमेट आंसर ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अपने कैलकुलेटर से भी करूँगा तो आई विल गेट द अप्रॉक्सीमेट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये भी थोड़ा सा ठीक था, हटकर है। अच्छा, अब देखो, कहता है कि थीटा बीइंग द एक्यूट एंगल, इट इज़ गिवन दैट इतना की वैल्यू 6 है, तो बताओ थीटा कितना होगा। यार देखो यार, ऑप्शन में देखो क्या सब सब स्टैंडर्ड है, 0 45 60। अरे कितना टाइम लगता है यहाँ पे, वैल्यू देखो, पहला 0 रखेंगे तो देखो 0 रखते ही तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 4 6 तो नहीं होता। 45 रखने पर देखो, sec 45 की वैल्यू क्या होती है, sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो √2 कैसे 2, और ये हो जाएगा 4। अरे वाह, ये तो 6 हो गया, तो देखते ही टिक मारोगे ये आंसर है सर इसका, है ना। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप बेसिक से भी कर सकते हैं इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करके, पर जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th, अरे वाह बहुत ही प्यारा है, आपका एलजेब्रा का है। ठीक है, एलजेब्रा का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ सॉल्व ही नहीं करने का। देखो यहाँ पे क्या, ए प्लस बी प्लस माइनस सी देखा, माइनस सी आपको पता है जनरली फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो सी का माइनस है तो उसका स्क्वायर भी प्लस ही होगा, और पता है आपको यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, ए बी और फिर प्लस बी सी होता है, बट प्लस नहीं आएगा, माइनस बी सी आएगा, फिर प्लस सी ए होता है पर प्लस नहीं होगा, क्योंकि सी मतलब जहाँ सी है वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो यार, ये वाली टर्म तो कहीं पर दिख रही है आपको, सिर्फ एक ही जगह तो दिख रही है वाली टर्म, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, तो मुझे तो कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा। फिर भी देखो टाइम नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैंने कहा 12 दे रखा है क्वेश्चन में, 12 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 110 प्लस 2, और ये आ जाएगा आपका, है ना, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और यार इतना सिंपल क्वेश्चन, 144 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 34, और इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 17। तो ये तो आ गया सीधा, ए माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 17। कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, सिंपल तीन वेरिएबल में स्क्वायर का फॉर्मूला था बच्चों, है ना। तो ये आ गया एस, इसका आंसर है। तो एस यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, एस आ रहा है ए में, तो ये ए इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा ये जल्दीबाजी मत कर देना, आपने देखा सर एस आंसर है और डी पे टिक मार के आ गए, नहीं, उसके बाद भी इन्होंने ऑप्शन पूछे हुए, टाइम नहीं लगाना बच्चों। चलो एक देखते हैं, 5th, फिल इन द ब्लैंक्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर्स इज इक्वल टू 102। अरे ये तो सबको ही पता है, सबको पता है ना। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, अगर ये प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या का एवरेज पता है आपको क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये तो सम होता है और उसमें एन से भाग दो, तो प्राकृत संख्या का योग होता है एन प्लस 1/2। कोई भी एन प्राकृत संख्याओं का एवरेज ये होता है। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है ऑड नंबर विषम संख्या का एवरेज क्या होता है, विषम संख्या का सम होता है एन स्क्वायर और उसको एन से भाग दो, तो एन ही होता है। अगर इस क्वेश्चन में बताता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 101, 101 ये देता तो ये मेरा ऑड होता। अच्छा आपको पता है इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, इवन नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1, और इसका एवरेज क्या होगा, एन से भाग दे दो, मतलब होता है एन प्लस 1। वाओ, 101 संख्या का औसत 102 होता है, ये किस में होता है, सम में होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये आप अगर नहीं पढ़ा तो नंबर सिस्टम वाली फ्लाइट देखना, 101 संख्या का औसत 102। कितना बच्चे फास्ट हुआ, कुछ करना ही नहीं था, बस दो क्वेश्चन आगे के उसमें थोड़ा बहुत मेहनत था, बाकी किसी में कोई मेहनत नहीं। बाय सेलिंग आर्टिकल 144 इश्यू एक्वायर लॉसेस 28। अरे यार कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं। ये कहता है कि 144 रुपये में अगर एक वस्तु को हम बेचते हैं तो उस बंदे को 28% का लॉस हुआ, बोलता है कि कितने रुपए में बेचे। देखो आपको अगर याद हो तो प्रॉफिट लॉस में ये मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ा देता हूँ, ये प्रॉफिट लॉस का टाइट नंबर 3 पढ़ाता हूँ, कितने रुपए में बेचे कि उसको 14% का
लॉस हो। इतना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के मैंने दो मेथड बता रखे हैं अपने नोट्स में। पहला मेथड, आप इसमें एक फाइनल एसपी का फॉर्मूला लगा दो। फाइनल एसपी इक्वल टू इनिशियल एसपी कितना है 144 और ब्रैकेट, इस 144 में लॉस है तो यहाँ पे लिख दो 100 माइनस 28, और आपको क्या चाहिए तो यहाँ पे लिख दो 100 माइनस 14। ये तो हुआ एक फॉर्मूला से क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो कि 144 बाय 86 बाय 72। अरे यार ये तो पूरा दो बार ही कट गया, तो ये आ गया आपका 172 रुपये में बेचना होगा। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान मेथड क्या है, कोई 28% लॉस में किसी चीज़ को बेच रहा है तो बताओ उसका एसपी या विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, है ना। उसका एसपी होगा 72%। देखो 100 में से 28 घटाओ कितना रहा है 72%। अगर कोई किसी वस्तु को 28% लॉसेस में बेच रहा है तो उसके एसपी या फिर विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होगा 72। अगर कोई किसी वस्तु को 14% लॉसेस में बेच रहा है, 100 में से घटा दो 14 को, तो उसका एसपी कितना होगा 86%। कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन में 72% की वैल्यू गिवन है, कितनी है 144 रुपये। वैसे ये ओरल क्वेश्चन है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 2 रुपये, इसलिए हमें चाहिए 86% एसपी, तो कितनी होगी 86 × 2 172 रुपीज़। कितना फास्ट ये स्टार्टिंग में मैं करवाता हूँ ये वाला टाइप, ठीक है। आप चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 एलजेब्रा का है। एलजेब्रा के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, आपको पता है ये था ए की पावर 3, बी की पावर 3 और सी की पावर 3 0। ओ माय गॉड, जहां पर भी ये 0 दिख जाए, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 0 यहां पर भी दिख जाए, यदि किसी संख्या में आपको मिले कि ए प्लस, चलो मैं ए लिखूंगा ना तो कन्फ्यूज जाओगे आप, ऐसा करता हूँ मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, कहीं पर भी दे रखा है कहीं पर भी, तो आप अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन वो इसी प्रॉपर्टी के होते हैं। क्या होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3xyz। इसी प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन आएंगे आपको एलजेब्रा में। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है तो पक्का ऐसा होगा। अब यहाँ पर एक्स की जगह कौन है इस क्वेश्चन में, एक्स की जगह है ए की पावर 1/3, और बच्चों वाई की जगह इस प्रश्न में कौन है बी की पावर 1/3। देखो कंफ्यूज नहीं होना इसकी पावर में, पावर या घात को देखकर डरना नहीं है कि ये सर पता नहीं क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, बस आपको इन तीनों का सम 0 दे रखा है। देखो आया सन में, तो आपको इसको लिखकर बताओ कैसे लिखोगे, एक्स की जगह कौन है ए की पावर 1/3, तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा पहली संख्या का क्यूब। वाई की जगह कौन है बी की पावर 1/3, तो इसका भी क्यूब करोगे बच्चों क्यूब। जेड की जगह कौन है सी की पावर 1/3, तो इसका भी क्यूब करोगे क्यूब, और ये किसके बराबर है 3x। एक्स कौन है ए की पावर 1/3, और वाई कौन है बी की पावर 1/3, और जेड कौन है सी की पावर 1/3। बस ये हो गया। अब बताओ 1/3 से 1/3 कट गया तो क्या हो जाएगा, ए पावर कट जाती है, आपको पता ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया 3, और ए बी सी इसकी पावर आ गया 1/3। अब देखो क्वेश्चन में आपको पावर 6 बोला है तो मैं दोनों तरफ पावर 6 लगा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। बच्चा ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको एलजेब्रा में करवाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बच्चा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोनों तरफ पावर 6 लगा दो तो आ गया आपका आंसर यहाँ पे 3 की पावर 6। देखो 3 को 6 बार गुणा करना है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 बार गुणा करोगे तो 9 9 9, और 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81, 81 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 729, तो इतना तो पता होना चाहिए। तो ये हो गया 729, और देखो ये 3 है और ये 6 है तो पावर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई में था है ना, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में था। तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ गया आपका आंसर। कितना टाइम नहीं लगा बच्चा, टाइम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से, अच्छा आपको पता है इन सब की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी संख्या में 11 का भाग कब जाता है, जब उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। अच्छा आप देखो एक बार देखो, 6 में 4 जोड़ा तो कितना आया 10, 10 में 1 जोड़ा तो कितना आया 11, तो देखो विषम स्थानों की संख्या का योग कितना गया 11, सम स्थान में बताओ 2 में 6 को जोड़ा तो कितना आया
देखो, दो में 6 को जोड़ा तो कितना आया, 8, 8 में 3 को जोड़ 11, मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा बच्चों। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 11 और जोड़ दूं तो दूसरी संख्या आ जाएगी। देखो 13 में 11 जोड़ते क्या आ गया, 24 नहीं आ गया? अब इसमें मैं 11 और जोड़ दूं तो तीसरी संख्या आ जाएगी। देखो 24 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 35। अधिकतर आपको जो भी ऑप्शन देगा ना, सब में 11 का भाग जा रहा है। 11 जोड़ते हैं 35 में क्या आ जाएगा, 46। तो कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में जो आसान डिविजिबिलिटी होती है उसे निकाल नहीं पाओगे आप, सब में 11 का भाग जाएगा। आप चेक कर लो, सिर्फ 13 और 7 थोड़े मुश्किल डिविजिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई कोई भी नंबर में 7 का भाग कब जाता है, जब पहले नंबर को मैं 2 से गुणा करूं और बाकियों में माइनस करूं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इवन 13 का ऑस्कुलेटर, एक वैदिक मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, 13 का ऑस्कुलेटर क्या होता है, 13 का ऑस्कुलेटर होता है 4 प्लस का 4, इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये पहला वाला नंबर क्या है, 6246 00, और यहाँ पे 13 है। देखो सब में आपको दिख रहा है कि 6246 सब में कॉमन है, 6246 62। बच्चे टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में, क्या करो 6246 लिखो और यहाँ पे क्या आएगा वो पता करना है, और कोई भी छोटा नंबर जो है 7 से भाग दे दो, कुछ भी टाइम नहीं लगता। 7 से 8 बिल्कुल बेसिक से करना है, 56 6 बच्चा, 7 9 63 63 16 बच्चा 2 बच्चा। अब आप खुद देख लो कि यहाँ पे दो नंबर क्या होना चाहिए जिससे 7 का वापस भाग जाए। पहला है 13, अगर यहाँ पे 13 होता, 13 तो यहाँ पे 1 उतारते, 7 21, फिर 3 बच जाता, तो ये नहीं हो सकता। अगर इसमें दूसरा नंबर है 24, 24 होता, अरे वाह 24 होते काम चल जाता, 7 21 आता और 7 2 14 होता, तो ये आपका सेकेंड आंसर है। ऐसे कर लिया करो, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। 9th, एक दुकानदार शानदार प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, इशू के ऊपर नॉर्मली अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, वो 10% का डिस्काउंट देता है। चलो, ड्यूरिंग द सेल्स सीजन ही डिसाइड टू गिव 2 मोर डिस्काउंट। अब सेल लग रहा है तो उसने बोला भाई 2 डिस्काउंट और मैं दूंगा, ठीक है। उसने बोला कि फर्स्ट बींग एट द रेट ऑफ 50%, अच्छा द फर्स्ट बींग एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ओरिजिनल, अच्छा देखो देखो पहला डिस्काउंट क्या था, 10%। उसने कहा इसके बाद में 2 बट्टे और दूंगा, पहला बट्टा जो 10% था ना बच्चों, उसका भी मैं 50% दूंगा, इसने उसने बोला। अरे तो उसमें क्या हुआ, आधा कर लो, मतलब सेकंड वाला 5% दिया है। अच्छा दूसरा वाला जो कहता है कि जो सेकंड है ना, सेकंड वो 40% ऑफ फर्स्ट है, ये फर्स्ट कहलाएगा, ये तो दे ही रहा था वो, तो सेकंड फर्स्ट में कितना 5 था, उसका 40% दे रहा देने का उसने बोला। वैसे आपको पता ही है ये तो कट ही जाएगा, 2% हो जाएगा, 2%। तो ये बच्चा 3 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है 10% का, एक है 5% का, एक इसका इक्विलेंट निकालना है, तीनों को इक्विलेंट निकाल। अब देखो इक्विलेंट निकालने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, आपको जो भी पसंद हो। और मैं इसको थोड़ा फ्रैक्शन में करता हूँ, 10% को लिखता हूँ 1/10, 5% को लिखता हूँ मैं 1/20, 2% को लिखता हूँ 2/100 कितना होता है, देखो 2/100 कितना होता है, 1/50, ठीक है, आप जैसे भी लिखना चाहो। और फिर मैं देखो कैसे लिखता हूँ, पहला डिस्काउंट लगेगा तो 10 की चीज़ कितने में मिलेगी, 9 में, ये फर्स्ट डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट लगेगा तो 20 की चीज़ किस में मिलेगी बच्चों, 19 में। थर्ड डिस्काउंट लगेगा तो 50 की चीज़ कितने में मिलेगी, 49 में। अब यहाँ से मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा, यहाँ से आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 5 दुनी 10, 1 2 3, ये तो 10,000 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करने में 19 की टेबल तो आती ही है आपको, नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इवन मैं तो है ना 49 को मैं ले सकता हूँ 50 माइनस 1, इससे देखो कितना फास्ट हुआ, 19 से 19 5 95, 950 हो गया, उसमें से मुझे 19 घटाना है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं हुआ, ये 3 931 हो गया, और इसमें 9 का मुझे और मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 9 9 9 3 27 का 7 ऐसे लगा 2 81 82 83, तो देखो 83 ये आ गया। अब आप इसको 100 बनाने के लिए 2 जीरो को काट दो तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 100 की चीज़ आपको 83.79 में मिली,
तो देख लो कितना डिस्काउंट मिला, 100 में से माइनस कर दो, देखो कोई टाइम नहीं लग रहा बच्चों। ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 6 हो गया, और ये 16.21 इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बाकी भी वही तरीके हैं, सारे वही हैं, करोगे तो वैसे ही आप, है ना, कैलकुलेशन तो वही करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए आप फाइनल वाला भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। 100 रुपये को इनिशियल मान लो, फिर अगला क्या हो जाएगा, 9/10, फिर अगला 19/20, देखो वही कैलकुलेशन वही है, फिर 49/50। अब जो भी आएगा उसको 100 में से घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, टाइम उतना ही लग रहा है, उतने ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, अब देखते हैं। ये कहता है 10वां क्वेश्चन, 10,000 रुपीज़ है ना बच्चा, 10,000 रुपीज़ जो है इसको बांटना है। देखो 10,000 रुपीज़ किस में बांटना है, एक तो है क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन कितने हैं, इनका नंबर दे रखे हैं। देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा रेशियो का चैप्टर के क्वेश्चन का है, 3 क्राफ्टमैन है, हेल्पर कितने हैं, 5, और लेबर कितने हैं, 6। ये कहता है ईच हेल्पर रिसीव अमाउंट ट्वाइस एज मच लेबर, लेबर को 1 मिलता है तो हेल्पर को कितना मिलता है, दुगना। इन क्राफ्टमैन रिसीव अमाउंट थ्राइस एज मच एज लेबर रिसीव, क्राफ्टमैन को लेबर से कितना मिलता है, 3 गुना। बच्चा आप देखो एक सिंपल रेशियो दे दिया है इसका, इनको जो पर पर्सन जितना पैसा मिलता है उसका रेशियो दे दिया इन्होंने। और ये क्या देखा है, 3 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये 6 लोग हैं। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ए बराबर बी क्रॉस सी का क्वेश्चन है। और ये भी मैं पढ़ाता हूँ, क्राफ्टमैन की संख्या को उसको एक बंदे को कितना मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई करो, तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाता है, टोटल इनको कितना पैसा मिलेगा उसका रेशियो, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे होगा 6। अब तीनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 25 रेशियो में कितने पैसे बांटने हैं, 10,000 इतने रुपए। तो 1 रेशियो में कितना जाएगा, 25 का भाग दे दो, 2500, 400 रुपये। और आपको पूछा है कि क्राफ्ट को कितना मिलेगा, क्राफ्टमैन को, तो 9 रेशियो, बताओ कहाँ टाइम लगा इसमें, 3600 रुपये मिलेंगे, इतना सिंपल है बच्चा। थोड़ा सा मेरे को टाइम कम मिलता है, संडे को ही मुझे टाइम मिलता है, सैटरडे संडे को, आज भी मैंने क्लास नहीं ली इसके कारण मैं आपको ये क्वेश्चन करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा डिले हो गया, पर अब डिले मैं नहीं करने की ट्राई करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन दूँ और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जिन्होंने जो चैप्टर पढ़ा है इट्स ओके, जो नहीं पढ़ा है उसको भी आप देखते रहो, क्योंकि देखने से भी चीज़ें बहुत समझ में आती है, और अपनी कॉपी में लिखते रहो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे बच्चों, आपको सब समझ में आया, तो अब मैं इसके ये जो हमने किया था इसके मैंने आपको की भी दे ही दी थी आपको, है ना, अगर आप एक बार फिर देखना चाहें तो आप की देख सकते हैं। अच्छा, इसके ये जो पेपर था CHSL का, इसके और भी क्वेश्चन हैं, वो तो आपको पता ही है कि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी इसके अगले 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ क्विज के लिए, हो सका तो मैं इसका कल ही आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है, तो ये क्वेश्चन आप देखते जाओ और वीडियो को स्टॉप करके इसके आंसर खुद निकालना है, ठीक है। अगले 10 क्वेश्चन, अब बच्चों थोड़ा सा सीरियस हो गया, आंसर बताओ ना आपके किसके कितने आंसर आ रहे हैं और कितने टाइम में आपने किया, ठीक है। देखो 11 देखो एंड 12 देखो, सब आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अच्छा ये जो 13 क्वेश्चन है ये आपका DI का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको पूरा रीड करना पहले अच्छे से, उसका ये ग्राफ दे रखा है बार चार्ट, इसको भी रीड करना, है ना, अपनी वीडियो को स्टॉप करके, और इसका ये क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है वो आप रीड करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो इसी ग्राफ का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 14, 15 और 16। देखो 4 क्वेश्चन आए हैं आपके DI के, आप बैक वीडियो देखकर
मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्राफ है इसी के आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। ये जो इससे पहले हमने ग्राफ किया था इसी के क्वेश्चन है, आप इस सबको करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सा ट्रिग्नोमेट्री का है। 18 ये भी देखो आपने, सिंप्लीफिकेशन का हर साल एक क्वेश्चन आता है। 19 बिल्कुल बेसिक, और 20 ट्राइंगल का क्वेश्चन। तो बच्चों आप ये मुझे 10 क्वेश्चन बताओ, मैं कल इसका आपका सॉल्यूशन देता हूँ। 10 क्वेश्चन करके बताओ चलो सब बच्चे। अच्छा अभी मैं इसके बाद आपको आंसर दिखा रहा हूँ, तो जिन बच्चों को आंसर नहीं देखने वो यहीं पर अपनी वीडियो को स्टॉप कर देना, आगे नहीं देखना, यहीं पे स्टॉप कर दो। चलो मैं आंसर दिखा रहा हूँ, जिसको आंसर देखना है वो देख लो, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप करो। और देखिए ये है इन 10ों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, और कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आप जल्दी से इसको लाइक जरूर करो बच्चों, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम और मेहनत करेंगे आपके साथ में, और वर्क करूंगा। चलो आज इतना ही, मिलते हैं कल।